नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त बिहार के हाजीपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भीम आर्मी के बड़े दलित नेता राकेश पासवान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। गुरुवार देर शाम यानी आज देर शाम की ये घटना है। बताया जा रहा है कि अपराधी एक की संख्या में आया था, वो आया घर में पैर छूकर प्रणाम किया राकेश पासवान को, राकेश पासवान का पैर छूकर प्रणाम किया और उसके बाद तब एक एक करके उसके सीने में 5 गोलियां उतार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हुए, तब तक वो अपराधी फरार होने में सफल रहा। आनन फानन में फौरन राकेश पासवान को लहूलुहान हालत में, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उस हालत में गाड़ी से लेकर पास के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे फौरन सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल जाते जाते डॉक्टरों ने जैसे ही देखा राकेश पासवान की मौत हो चुकी थी। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और जैसे ही मौत की खबर राकेश पासवान की लोगों के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन तक पहुंची, जंगल की आग की तरह ये खबर फैली। उसके बाद भारी संख्या में जो कह सकते हैं समर्थक हैं वो सदर अस्पताल में जमा हो गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। खबर तो ये भी है कि डेड बॉडी को भी पुलिस के कब्जे से लोग जो समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जो शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, वो डेड बॉडी को भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर हालात को संभालने में लगी हुई है। हालात तनावपूर्ण है लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि नियंत्रण में है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि एक दलित नेता की सरेशाम घर में घुस करके इस तरीके से हत्या कर दी जा रही है। फिलहाल अभी घर वालों की तरफ से ये बताया नहीं गया है, जो जानने वाले हैं उसकी तरफ से ये बताया नहीं गया है कि किसने किन वजहों से राकेश पासवान की हत्या की है। लेकिन जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अभी की जो खबर है लेटेस्ट, उसके मुताबिक उनके घर से लेकर अस्पताल तक भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, समर्थकों का जमावड़ा है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। खबर ये भी है कि कई टीम बनाकर के छापेमारी भी की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वो कौन शख्स है, कौन अपराधी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ये भी घर वालों से बात करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी कोई रंजिश थी, कोई आपसी दुश्मनी थी। चूंकि वो समाज सेवी थे, लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे, इलाके के लोगों से घुले मिले थे, तो बहुत मुमकिन है कि उसी में से किसी को, चूंकि जब इस तरीके की समाज सेवा में लोग शामिल होते हैं तो कई जो जाने अनजाने दुश्मन भी बन जाते हैं, उसमें से कोई है या कोई आपसी रंजिश है, कोई घर मतलब नाते रिश्तेदार में से कौन है, इस तरीके की पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि देर शाम राकेश पासवान जो कि भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं उनकी घर में घुस करके हत्या कर दी गई है। उनका घर कहाँ पड़ता है वो भी हम बता दे रहे हैं। लालगंज थाना क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, हाजीपुर के लालगंज थाना क्षेत्र के पंचवटिया गांव में उनका घर पड़ता है, वहीं पे ये घटना इस घटना को अंजाम दिया गया है। भीम आर्मी के बारे में आप जानते होंगे कि चंद्रशेखर, जिन्हें रावण भी कहा जाता है, उनकी आर्मी है और पूरे देश में उनकी ये भीम आर्मी चलती है, भीम आर्मी के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में इसका राजनीतिकरण भी तय है, इस पर सियासत भी की जाएगी आने वाले दिनों में। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आ भी रही है कि इस पर राजनेताओं का भी वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़े नेता, जो दलित नेता है, जो भीम आर्मी से जुड़े थे, चंद्रशेखर के संगठन से जुड़े हुए थे, उनकी देर शाम घर में घुसकर के हत्या कर दी गई है। अपराधी आता है, उनसे मिलता है, पैर छूकर प्रणाम करता है और फिर मौका देख करके अकेला पा करके उनके सीने में ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग करके वहां से फरार हो जाता है। जब तक लोग पहुंचते तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुका था, किसी को पता नहीं चला कि किधर भागा है, कैसे भागा है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर भारी संख्या में कैंप कर रही है, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है ताकि उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके, वजह पता लगाया जा सके। कई टीमें हैं जो कि लगातार नाकेबंदी करके इलाके में कई टीमें भी लगा दी गई है पुलिस की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। नमस्कार।